तो आज हम देखने वाले हैं झगड़ा 2.0, जो कि झंड जी का वीडियो है। ये एक जिसमें रोस्ट वीडियो दो होगा। शायद दो सॉन्ग या तीन सॉन्ग रोस्ट होने वाले हैं। पहला झगड़ा 2.0 खेसारी लाल यादव का, दूसरा झगड़ा 2.0 है प्रमोद प्रेमी का, और एक रितेश पांडे का भी कोई सॉन्ग है जिसको वो रोस्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली तीन गानों को वो रोस्ट करने वाले हैं। देखते हैं क्या है इन तीन गानों के। एक तो ये समझ में नहीं आता, भोजपुरी साला एक ही गानों पर दो दो तीन तीन गाने कैसे बना देते हैं यार ये लोग। एक दो ही दो तीन लाइन तीन पर एक ही लाइन पे। वो एक चल निकलता है तो अब तो शायद। शायद अब देखो झगड़ा खेसारी लाल का आया तो प्रमोद प्रेमी का भी एक गाना आ गया झगड़ा, उसको भी तो चलो देखते हैं क्या रोस्ट किया है। मेरे ख्याल से यही रोस्ट होगा, और क्या कि आता नहीं है कि लोग गाना हाँ चालू कर देते शुरू हैं। करते हैं अभी तो। गो तो पुराना है, ये तो कैसे भूल सकते हैं यार। अच्छा लगा था ये गाना हमें साले बहुत। नया झगड़ा कराओ ना, सॉरी नया हाँ यार वाला ये तो झगड़ा लगाओ पुराना। ना। ये गाना बहुत मस्त लगा था। हाँ ये है नया बहुत अच्छा गाना, लगा था मुझे इसे गाना। कहते हैं नया गाना। कोई पैदा नहीं हुआ इतना कुछ नया अलग गाना था। गाने वाला है। मेरा घंटा नया गाना है। नया गाना नहीं है? अच्छा नहीं, ऑडियो गाना ऑडियो तो पहले नया रिलीज कर ही दोगे है, शायद। गलती हमारी है जो हमने 2-3 महीने पहले ही सुन लिया था। कहाँ सुना था? यहाँ ओ भाई क्या कॉपी है क्या? क्या बात कर रहे हो? साला अश्लीलता से गिरे चोरी पे अटके, साले आसमान से गिरे ओहो खजूर पे अटके, ऐसे होता है। अरे हाँ बात वही एक एक ही ही है। बात है। तो पिटला बिना बिगड़ता। अरे दोस्तों सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर। वैसे दोनों गानों का बीट ट्रैक भले ही सेम है बट लिरिक्स तो अलग है ना। हाँ पर्स में से सिर्फ चिल्लर हाँ चुराया है, नोट को तो हाथ भी नहीं लगाया। यार तो अलग गाना, लेकिन क्या उनको हाल लगे सही रहा जैसे वही है? गाना है ना। ठीक है दोस्तों, आज हम एक बार फिर से झगड़ा लगाने आए हैं। झगड़ा देख लगाने ले भाषा। आए। खैर तो वैसे भोजपुरी में आज तक कितने झगड़े हुए हैं अगर उसे गिनने बैठो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ अरे बस 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 बस, इसे गिनोगी तो 6,000 साल लग जाएंगे। गाना बजाओ। हाँ झगड़ा लमहर बा। नहीं इतना नहीं, इतना बोलो कितना? नाप के बताओ कितना लमहर बा। अरे मतलब कम से कम 2-2.5 मीटर का तो होगा ही। बस इससे लमहर तो मेरे पजामे का नाड़ा है। कुछ भी नहीं, वैसे रियलिटी बेस्ड गाना है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में झगड़ा लड़ाई विवाद मार पीट जात पात हम आगे ते पीछे हमार लकीर तोर लकीर, इसके अलावा है ही क्या भाई। झगड़ा लमहर तो रहबे करेगा। बात तो सही है। हाँ लंबा है। ये सही बात है, ये छछुंदर के चौथी मौसी के लिए पूरा शहर पगलाइल बा। किसी वाहवाही में मत रहो, डॉक्टर को चेक कराओ कहीं शहर में बीमारी ना फैल गई हो। हाँ यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये क्या? ये जो इंजॉय करने वाली चीज है उसे तो अंधेरे में ढकेल दिया। बजट किया था क्या डायरेक्टर? हमको नहीं पता। नहीं मतलब क्या फायदा इसे ऐंठने का जब कुछ दिखे ही ना। तो क्या करें हम देख रहे हैं? ये देखो दिन में लाइट चालू करके शूट किया है और रात को लाइट बंद करके। रात को लाइट बंद करके। नहीं, रात वाला अंधेरे में ही मजा आता है। देखो प्रमोद प्रेमी को पहले से ही डर था कि बात कहीं छपरा तक पहुंच न जाए, बट भाई इंटरनेट का जमाना है, कितना ही बचा लोगे, एक न एक दिन तो पहुंचना ही था। वैसे प्रमोद प्रेमी वाला गाना बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा गाना? ये वाला। ओह कैसा ये है राजा जी। ठीक है भाई, इसमें तो आवाज ही नहीं है। आएगा आएगा अभी आएगा। बुलेट की आवाज लगती।
आएगा आएगा गाने में आवाज नहीं है। 2000 years आएगा आएगा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अबे साले आ गया। अरे ओवर एक्टिंग की वजह से। हाँ अब आया है आवाज। भोजपुरी इंडस्ट्री तरक्की कर लिया यार, बताओ तरक्की कर लिया। तेरे 12 तक ही पहुंचे थे और ये 17-18 तक पहुंच गए। 18 तक पहुंच गए। अरे हाँ वो ठीक है, बट कहना क्या चाहती हो, क्या करें, आपकी उम्र 18 साल हो गई। तो तुम साले बुढ़े लोग पता नहीं कब हम नौजवानों की फीलिंग को समझोगे। अरे 18 साल हो गई मतलब शादी की उम्र हो गई है, तो इसमें तेरी क्या फीलिंग है। साले मैं भी तो 20 का हो गया हूँ। अच्छा करते हैं हम प्रबंध करते हैं। कुछ नहीं करोगे तुम मुन्ना, खाओगे और हगोगे। अच्छा ये आपको सुकुवार लग रही हैं? अरे इनके साथ एक दौड़ का प्रतियोगिता रख लो, बहम दूर हो जाएगा। हाँ फिर हमारे ख्याल से नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पर आएंगे आप। वैसे ये लाइन कहीं सुनी सुनी सी लगती है ना। हमारे ख्याल से नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पे आएंगे आप। नहीं मतलब इमरान हाशमी के साथ काम पाने की चाहत रखने वाली ये 18 प्लस उम्र की शक्ल देखो, किस तरफ से ये आपको सुकुवार लग रही है भाई। मुझे तो सेक्सी लग रही है। तू साले ठरकी आदमी, तुझे तो गीली दीवार भी सेक्सी लगती है। गीली दीवार। वैसे ये पंच थोड़ा सा एडवांस लेवल का था, सबके समझ में नहीं आया। मुझको भी समझ में नहीं आया। यार बस आज के इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक। छोटा था पर छोटा रास्ता है। वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक तो वैसे भी आप नहीं कर पाओगे, तो लाइक ही कर दो, इसका तो फायदा हो। बाकी अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है, कोई माई का लाल आपको चैनल सब्सक्राइब करने से नहीं रोक सकता, यकीन ना। बाकी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, कोई बात बात करनी है तो आ जाओ, मैसेज करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मानना तो पड़ेगा, नो डाउट यार, बंदे में दम है। नेक्स्ट लेवल पे यार, नेक्स्ट लेवल पे ले जी के जा रहे हो यार तुम चीजों को। हाँ यार मतलब 5 वीडियो में 5 मतलब 3 गानों को तुमने कवर कर लिया ऊपर से। भाई इस वीडियो की मुझे यही बात अच्छी नहीं लगी कि ये वीडियो बहुत छोटा था, ये थोड़ा और ज्यादा मजा आता। बाकी हाँ बात मानना पड़ेगी, जन जी बहुत अच्छे से रोस्ट करते तो हैं, और उनके जो राइटिंग है, सॉरी जो भी वो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसको क्या तरीके से प्रेजेंट करते हैं यार, अमेजिंग, मजा आ जाता है। लगता है। और भोजपुरी ऑडियंस तो सच में मजा आता ही होगा। तो भाई कैसा लगा हमारा रिएक्शन इस वीडियो पर, कमेंट करके जरूर बताना। और ये गाना क्या सच में कॉपी किया है मुझे बताना यार, मैं थोड़ा सा इसका मुझे डाउट है, मैं देख के शौक हो गया। हमें लगा था कि खेसारी लाल यादव का कॉपी किया प्रमोद प्रेमी ने, स्टार्टिंग में हम ये समझे थे कि खेसारी लाल यादव ले आए तो प्रमोशन के चक्कर में वो भी गाना लेके आ गया, लेकिन वो बोल रहे 2 महीने पहले आ चुका उनका गाना, मतलब उनका गाना इन्होंने कॉपी किया यार। ये चक्कर मुझे समझ नहीं आया, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये कब खत्म होगा मुझे पता नहीं यार, लेकिन ये बार बार सुनने को मिलता है कि इसका गाना इसने कॉपी किया, उसका गाना इसने कॉपी किया। तो भाई आप लोग बताइए कैसा लगा कमेंट करके ये रिएक्शन, और बताना यार कि असली ओरिजिनल गाना किसका था प्लीज़ कमेंट करके बताना। म्यूजिक से तो लग रहा है कि हाँ ये वही गाना है, लेकिन लिरिक्स डिफरेंट है तो कह सकते हैं अलग गाना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।